चुनाव आयोग के बार बार कहने के बावजूद प्रधानमंत्री ने और अमित शाह और इनकी पूरी की पूरी पार्टी ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई और मना करने के बावजूद सेना का नाम बार बार अपने भाषणों में लिया है। और जब उसने लिया है तो ये जरूरी है कि बेगूसराय जिला को जब उन्होंने अपमानित किया है, यहाँ से उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे घर से, मेरे परिवार से हमारा एक भाई इस देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी है। और आप कहते हैं कि हम सेना विरोधी हैं, हम सेना विरोधी नहीं हैं, हम सेना के नाम पर जो कुर्सी पाने वाले लोग हैं उनके विरोध में खड़े हैं, इस बात को जान लीजिए। हमारा साफ साफ मानना है कि किसी भी स्थिति में सेना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में सेना को घसीट कर राजनीति में नहीं लाना चाहिए। सेना इस देश में अक्षुण्ण है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। और सेना का जो काम है, सेना ने हमेशा अपने काम को किया है, लेकिन ये सरकार जो हमेशा अपने काम में नाकाम रहती है, सेना के पीछे छुप करके अपना जान बचाना चाहती है और सेना के सम्मान से अपना मान सम्मान का रक्षा करना चाहती है। और यहाँ जब वो बेगूसराय आए तो उन्होंने शहीद पिंटू सिंह का नाम अपने मुंह से लिया। किस मुंह से वो नाम लेते हैं, किस मुंह से वो नाम लेते हैं। जिस दिन शहीद पिंटू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे आया था, ये पूरा का पूरा भाजपा का कुनवा अपनी रैली करने में व्यस्त था, एक माला चढ़ाने की फुर्सत नहीं थी। और आज जब भाषण देने के लिए आए चुनाव के वक्त, तो चुनाव के वक्त चुनावी रैली में बगुला की तरह गर्दन हिला करके चले गए। अरे बेगूसराय से पखड़ी कितना दूर था, बेगूसराय से पखड़ी बहुत दूर तो नहीं था, क्यों नहीं अमित शाह गए शहीद पिंटू सिंह के घर वालों से मिलने के लिए, मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। इनके पास समय नहीं था, इनके पास वक्त नहीं था, इनके पास समय और वक्त नहीं है इस देश में पीड़ित किसान और शहादत देने वाले जवान के घर पर जाने की। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। कभी देखा है वोट और सपोर्ट के लिए अमित शाह माधुरी दीक्षित के पास गए थे, किसी किसान के पास इनको जाते हुए देखा है? कभी किसान जिसने आत्महत्या की हो उनके परिवार को आंसू पोंछते हुए देखा है? कभी देखा है उनके साथ बैठ करके ये खाना खा रहे हो? ये है इनकी हकीकत। और मन से खड़ा होकर के कहते हैं कि पुलवामा में शहीद होने वाले शहीद पिंटू सिंह को मैं शहादत देता हूँ। इनको इतना भी नहीं मालूम है कि शहीद पिंटू सिंह की शहादत पुलवामा में नहीं हुई थी, पुलवामा के बाद हुई थी। जिनको इतना नहीं मालूम हो वो सेना पे तुच्छ राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को मारा। लगता है जैसे मोदी जी पायलट थे और हवाई जहाज चला रहे थे। अब मोदी जी हवाई जहाज चढ़ा रहे होते तो अभिनव गिरता कि मोदी जी गिर जाते हैं। कौन गया था वहां पे? देश के जवान गए थे ना। इनका सच मैं आपको बताता हूँ, जिस मसूद अजहर पर पुलवामा का अटैक करने का आरोप है, उस मसूद अजहर को किसने पकड़ा और किसने छोड़ा? बीजेपी ने पकड़ा नहीं, इस देश के जवानों ने उसको पकड़ा और भाजपा ने अपने लोगों को बचाने के लिए छोड़ा। इस बात को आप जान लीजिए, ये हकीकत है। ये बात ठीक है कि जहाज का अपहरण किया गया, लेकिन उस जहाज को छुड़ाने के लिए सेना तैयार बैठी थी। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तब सेना को क्यों नहीं आदेश दिया गया कि जाओ और जहाज को छुड़ा करके ले आओ, हम आतंकवादी को नहीं छुड़ेंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बेईमानी है, इस बेईमानी को समझिए। ये बेईमानी ये है कि आप दुकानदार से पंखा खरीद करके ले गए, दुकानदार आपसे पूरा 1000 रुपया लिया। पंखा जब आप अपने घर में ले गए, पंखा को जब आपने लगाया, नट बोल्ट टाइट किया, स्विच दिया, पंखा नहीं चला। पंखा लेकर के जब वापस गए आप दुकानदार को कहने के लिए कि ए भाई पंखा नहीं चल रहा है, तो दुकानदार कहेगा कि हमारे देश के जवान कुर्बानी दे रहे हैं और आपको पंखे की पड़ी हुई है। अरे देश तो दे रहा है कुर्बानी, जवान भी दे रहे हैं कुर्बानी, तुम ससुर ही बताओ कि पंखा का नहीं काम कर रहा है। ये कौन सवाल खड़ा कर रहा है कि हमारे देश के जवान वीर नहीं है?
जब मोदी जी जन्म नहीं लिए थे ना, तब भी हमारे देश के जवान वीर थे कि नहीं थे? अरे आजादी के वक्त भी हमारे देश के जवानों ने अपनी वीरता दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? तब मोदी जी आंख भी नहीं खोले थे, तब भी हमारे देश के जवान वीर थे। बताइए, मोदी जी पहले पैदा हुए कि भगत सिंह पैसे पहले पैदा हुए? ये देश तो हमेशा वीरों को पैदा करती रही है। ये बताओ साहब कि आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री बनकर के आपने क्या किया? ये मत पंखे वाले की तरह बताओ कि पंखा काम नहीं कर रहा क्योंकि देश के जवान जो है वो वीर है और तुमको पंखे की परी हुई है। इस साजिश को समझिए, इस सरकार ने कितनी चालाकी से अपना सारा का सारा नाकामी सेना की कामयाबी से छुपा देना चाहते हैं। सेना की कामयाबी अपनी जगह, सेना को पूरा देश सलाम कर रहा है और शहीदों के नाम अपनी सलामत भेज रहा है, उनके लिए दुआएं कर रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है और शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। आप ये बताइए कि बतौर प्रधानमंत्री आपने क्या किया और आपने इस पहलवान को जो बेगूसराय लड़ने के लिए भेजा है, इसने देश के लिए क्या किया है? इस पहलवान की हालत यह है कि यह सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च कर पाए और इनका मंत्रालय सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग मंत्रालय है। और मैं तो कहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप बेगूसराय के लोग हैं, बेगूसराय के चारों चौहद्दी घूम करके देख लीजिए, गिरिराज सिंह के नाम का एक पत्थर दिखा दीजिए, हम समझ लेंगे कि गिरिराज सिंह इस देश में बतौर मंत्री काम किए है। एक को पत्थर जब चुनाव आया है तो कह रहे हैं कि हमारा तो नानी घर है बेगूसराय में। ये महाराज नानी घर है, अब ये याद आया चुनाव के वक्त। तो चलिए ना नानी हौले में हमको एक पत्थर दिखा दीजिए कि आप अपने नानी घर के लिए कुछ किए हैं। इस बात को आप समझिए कि ये बहस क्यों खड़ा किया जाता है, क्यों इस तरह की बातें की जाती है, ताकि इनका जो काम है, जो काम ये नहीं किए हैं, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके, कोई ये नहीं पूछ सके कि ठीक है देश जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सब अपनी जगह पे है, सेना जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सब अपनी जगह पे है, ये बताइए मोदी जी हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया? ये बताइए कि जवानों को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली? ये बताइए कि इस देश में जो आपने वादा किया था उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया? ये सवाल है। चुनाव यदि हो रहा है तो चुनाव इस मुद्दे पर होगा कि पिछला जो आपका घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में जो आपने वादा किया था, उन वादों में से कितने वादों को पूरा किया गया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इस सवाल को गुमराह करने के लिए ये राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हैं। एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि इनका इतिहास क्या है। इनका इतिहास इस देश में शहादत का इतिहास नहीं है, गद्दारी का इतिहास है, इस बात को याद रखिएगा। इनका इतिहास इस देश में, इस देश के लिए लड़ने का इतिहास नहीं है, अंग्रेजों से माफी मांगने का इतिहास है, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जब इस देश के लोग शहादत दे रहे थे तब ये अपना कैरियर बनाने में लगे हुए थे, और जब देश आजाद हो गया तो देश की आजादी के बाद इन्होंने तिरंगे झंडे को मानने से इनकार कर दिया, इस देश के संविधान को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि विकास का जो ये इनका नारा है वो एक छलावा है, एक धोखा है। विकास करना इनका एजेंडा नहीं है, जिस तरीके से मंदिर बनाना इनका एजेंडा कभी नहीं था, सरकार बनाना इनका एजेंडा था, इस बात को आप जान लीजिए। सरकार ये हर बार बना लेते हैं लेकिन मंदिर नहीं बनता है, और मंदिर बनाने का एजेंडा हर बार अगले पेज पे शिफ्ट होता चला जाता है। पहले 39वें पेज पे, फिर 40वें पेज पे, अगली बार हो सकता है घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र में तब्दील हुआ है, इस संकल्प पत्र से मंदिर का मुद्दा ही गायब कर दिया जाए। हमें इस बात में कोई नहीं पड़ी है कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, हमें इस बात की पड़ी है कि अगर हिंदुस्तान में राजनीति होगी तो लोगों के मुद्दों पर होगी, और लोगों का मुद्दा ये है कि सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्म सम्मान, ये हमारा मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम लड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं
कि जब आप 29 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो आपको एक ऐतिहासिक फैसला लेने की दरकार है। ये दरकार इसलिए है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया आपके तरफ देख रही है, पूरा देश आपके तरफ देख रहा है। जो लोग बाहर से आते हैं, आते ही बेगूसराय की मिट्टी को चूम लेते हैं, उसकी मिट्टी अपने माथे पे लगा लेते हैं और कहते हैं कि क्या लाजवाब है यह धरती, क्या लाजवाब है यह मिट्टी जो यहाँ से एक वीर पैदा होते हैं। इसीलिए लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई लोग फेसबुक पे इस देश का जो सच है उसको सामने ला रहा है, और देश का सच जब सामने लाया जाता है जो सरकार के समर्थक हैं वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। कोई फेसबुक पे गाली खा रहा है, कोई व्हाट्सएप पे गाली खा रहा है, किसी को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया जा रहा है, किसी को ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया जा रहा है। कोई ऑफिस में लड़ रहा है, कोई चाय की दुकान में लड़ रहा है, कोई खेत में लड़ रहा है, कोई अदालत में लड़ रहा है, कोई बस में बात बहस कर रहा है, कोई ट्रेन में बहस कर रहा है। ये तमाम लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो तमाम लोग पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय और बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आवाम के हक और हुक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तमाम लोग बेगूसराय के लोगों की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि बेगूसराय की धरती भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेगी और इस देश को तबाह करने वाले लोगों को एक जवाब देगी। इसीलिए मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह है कि जब आप 29 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा, ये मतदान कोई साधारण मतदान नहीं, इस बात का आप याद रखिएगा। उस मतदान के द्वारा आपको पूरे देश को एक संदेशा भेजने की जरूरत है। वो संदेशा ये है कि जिस तरीके से भाजपा ने बेगूसराय की मिट्टी को बदनाम किया है, इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई होती, अगर ये मुझे व्यक्तिगत तौर पर देशद्रोही कह रहे होते तो इनसे हम कोर्ट के दो दो हाथ कर लेके हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये कानूनी मामला नहीं है, ये एक राजनीतिक मामला है, और ये एक राजनीतिक कलंक बेगूसराय के लोगों के माथे पे लगाया गया है, इस बात को आप जान लीजिए। और ये शायद बेगूसराय के इतिहास को ठीक से जानते नहीं है। बेगूसराय के इतिहास को अगर इन्होंने ठीक से जाना होता तो बेगूसराय की मिट्टी को बदनाम करने से पहले हजार बार सोचा होता, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। और रही बात आरोप की, तो मैं आपको यहाँ से खड़ा होकर के भरोसा देता हूँ, ये आरोप झूठ है, और इस झूठ को हम झूठ साबित करके रहेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। लेकिन आप लोगों को भी इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा, पूरी दुनिया को आपको ये संदेशा देना पड़ेगा कि जो सरकार बेगूसराय को अपमानित करेगी, जो सरकार इस राष्ट्रकवि की धरती को राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश करेगी, जो सरकार बेगूसराय के लोगों को नमूना बोलेगी, जो सरकार बेगूसराय के मुद्दों को गुमराह करेगी, और जो सरकार गिरिराज जैसे नकारा मंत्री को हमारे ऊपर थूपने का कोशिश करेगी, उसको करारा जवाब मिलेगा, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।